हेलो फ्रेंड्स, तो आज वाली क्लास में हम देख रहे हैं कि कैसे हम इमेज को ऐड कर सकते हैं हमारे फ्लटर एप्लीकेशन के अंदर। हम इसको डिटेल में समझेंगे नेक्स्ट मॉड्यूल के अंदर के कितने तरीके से आप इमेजेस ऐड कर सकते हैं, लेकिन आज हम बेसिक इस वीडियो में देखने वाले हैं बेसिक इंप्लीमेंटेशन ऑफ एडिंग अ इमेज इन फ्लटर एप्लीकेशन। तो कैसे आप बेसिकली एकदम बहुत ही बेसिक सिंपल तरीके से कैसे आप इमेज को ऐड कर सकते हैं अपने फ्लटर एप्लीकेशन के अंदर। तो जब भी आप कोई भी एप्लीकेशन को डिजाइन कर रहे होते हैं तो उसमें इमेजेस लगाना एक इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, इंपॉर्टेंट फीचर हो जाता है। कोई भी चीज के बारे आप डिस्क्राइब कर रहे हो, कोई भी चीज को आप और बेहतर तरीके से प्रेजेंट करना चाहते हैं, तब आपको इमेजेस की जरूरत पड़ेगी। आप डिस्क्रिप्शन से उस चीज को समझा सकते हैं, लेकिन एक बेटर प्रेजेंटेशन के लिए आपको हमेशा इमेजेस की जरूरत पड़ेगी अपनी एप्लीकेशन के अंदर। तो उन इमेजेस को कैसे लगा सकते हैं आप भी अपने एप्लीकेशन के अंदर, मतलब कि फ्लटर एप्लीकेशन के अंदर, तो इसको देखने के लिए चलते हैं सीधा एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर। और आप इस केस में VS कोड को भी यूज कर सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप एंड्रॉइड स्टूडियो को यूज करें। देखो, आई एम फैमिलियर विद एंड्रॉइड स्टूडियो एंड आई एम ऑल्सो फैमिलियर विद VS कोड, बट मैं आपको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशन करके दिखा रहा हूँ एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर। तो प्रोसेस सब सेम है और मैं थ्रू आउट आप सभी क्लासेस में आपको ये बता रहा हूँ। मेन डार्ट जो आपकी फाइल होती है, जो भी डार्ट फाइल्स होती है, वो लिब फोल्डर के अंदर होती है। प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर सेम रहता है, सिर्फ और सिर्फ आईडी इज द डिफरेंस। ठीक है, तो आप चाहे एंड्रॉइड स्टूडियो में कोड कर रहे हैं, चाहे VS कोड में कोड कर रहे हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, सिर्फ आईडी का डिफरेंस है, आप जिनसे फैमिलियर है आप उस पर्टिकुलर आईडी को यूज कर सकते हैं। तो चलते हैं सीधा एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर। तो यहां मैंने एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन कर लिया और एकदम बेसिक जो आपका ऐप क्रिएटेड आता है, जो काउंटर ऐप क्रिएटेड आता है, काउंटर क्लिक करके काउंटर को बढ़ाने वाला, इंक्रीमेंट करने वाला, वो मैंने कोड यहाँ पे रिमूव कर दिया, जो रिडंडेंट कोड है वो हटा दिया है। आज के इस क्लास में हमको मेन फोकस रखना है कि कैसे इमेजेस को आपको ऐड करना है। तो इमेजेस ऐड करने के लिए आपको दो इंपॉर्टेंट स्टेप्स को ध्यान रखना होगा। सबसे पहले तो आपको जो भी इमेजेस लेनी है, जो भी इमेजेस रिक्वायर्ड है, उनको आप एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट डायरेक्टरी के अंदर फोल्डर में ऐड करेंगे। और वो फोल्डर का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन बेटर एप्लीकेशन के लिए बेटर रहेगा कि आप उस फोल्डर का नाम रखें एसेट्स। तो एसेट्स नाम का आपको एक डायरेक्टरी या फोल्डर क्रिएट करना है, उसके अंदर आप जितने भी एसेट्स इस पर्टिकुलर आपको प्रोजेक्ट में रिक्वायर्ड है वो सब आपके वहाँ पे प्लेस्ड होंगे। जैसे कि आपको फॉन्ट्स यूज करने हैं तो फॉन्ट्स नाम का एक अलग से फोल्डर बना दें आप एसेट्स के अंदर। आपको इमेजेस चाहिए तो इमेजेस नाम का एक फोल्डर बना दें जहाँ पे आपकी इमेजेस पड़ी रहेगी। तो ऐसे जितने भी आपको एसेट्स की रिक्वायरमेंट है, ऐसे सब डायरेक्टरीज एसेट्स के अंदर बना के आप उनमें प्लेस कर सकते हैं। तो आज सेम तरीके से अपन वही करने वाले हैं। और सेकंड स्टेप क्या होता है, आपकी जो perfspec.yml फाइल होती है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल होती है, जितने भी रिसोर्सेज, जितने भी लाइब्रेरीज आप यूज करेंगे, आपको हमेशा उस perfspec.yml फाइल को अपडेट करना पड़ेगा। और उसके बाद में उसको pub.get करना पड़ेगा, जो कि आपको ऊपर ही ऑप्शन मिल जाएगा, जिससे कि जो भी आप रिसोर्सेज और लाइब्रेरीज यूज कर रहे हैं वो आपके प्रोजेक्ट के साथ में सिंक्रोनाइज हो जाए। ठीक है, तो इन दो स्टेप्स को हमेशा ध्यान में रखना है और आप सिंपली एक पर्टिकुलर इमेज को लगा पाएंगे अपनी एप्लीकेशन के अंदर। तो सबसे पहला स्टेप, जैसे कि आप यहां देख सकते हैं, मैंने एसेट्स के अंदर, इमेजेस के अंदर दो इमेजेस ले रखी है। मैं इसको डिलीट मारता हूं आपके सामने, वापस से इसको क्रिएट करके बताता हूं कैसे करना है आपको। ठीक है, तो मैंने आपको बाय डिफॉल्ट आपका कुछ ऐसा प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर रहता होगा, आपको यहां पे अगर नहीं मिल रहा, आपको ऐसा एंड्रॉइड आ रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको एंड्रॉइड की जगह यहां प्रोजेक्ट कर देना है। ठीक है, फिर आपका ये जो जो भी प्रोजेक्ट का नाम है वो यहाँ पे आएगा, मेरा फ्लटर जर्नी है, तो मैंने इस पर क्लिक किया और इसी पे राइट क्लिक करना है, न्यू पे जाना और यहाँ पे यू विल गेट द नेम डायरेक्टरी, डायरेक्टरी पे टैप करना है और यहाँ पे आपको उस डायरेक्टरी का नाम रखना है। कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन बेटर रहेगा कि आप एसेट से उसका नाम क्रिएट करें। ठीक है, जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो एसेट्स नाम का एक फोल्डर मेरे को यहाँ पे मिल जाता है। अब मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूंगा, न्यू पे जाऊंगा और एक और डायरेक्टरी पे टैप करूंगा और इस डायरेक्टरी का नाम दूंगा मैं इमेजेस। और अब मेरा फोल्डर रेडी टू गो है। अब मैं इसमें जो भी इमेजेस मेरे को लगानी है वो मैं यहाँ पे पेस्ट करूंगा और फिर मैं उसको यूज कर सकता हूँ। और उसके बीच में भी सेकंड स्टेप को भूलना नहीं है, कौन सा, pubspec.yml वाला। तो पहले हम इस इमेजेस में ऐड कर देते हैं इमेजेस जो भी मेरे को पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में लगानी है। तो मैं अपने डाउनलोड फोल्डर से दोनों इमेजेस लेके आ जाता हूँ, जो फ्लटर आइकन्स हैं और एक फ्लटर इमेज है, इसको मैंने कॉपी कर लिया है और आपको इमेजेस में राइट क्लिक करके पेस्ट कर देना है। आप कंट्रोल सी कंट्रोल वी भी कर सकते हैं, राइट क्लिक करके कॉपी एंड राइट क्लिक करके पेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे भी आपको पेस्ट करना है। तो यहाँ पे मेरी दोनों इमेजेस आ चुकी हैं, आप एक बार चला के देख सकते हैं। ये मेरी JPG इमेज है और ये मेरी PNG इमेज है। दोनों को लगा के देखेंगे एक एक करके, तो दैट आपको आइडिया रहे कि JPG इमेज हो चाहे PNG इमेज हो, वो आप दोनों लगा सकते हैं। फिर हम आगे बात करेंगे SVG के बारे में। आगे मैं आपको बताऊंगा SVG जो होती है, SVG इमेजेस जो होती है, जो वेक्टर इमेजेस होती है, उनको कैसे लगाना है। आज की क्लास में हम प्योरली जो आपकी बेसिक इमेजेस हैं उनको बेसिक तरीके से कैसे ऐड करना है, मतलब बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे उनको इमेजेस को ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इमेजेस ऐड कर दिए है और अब हमको कहाँ चलना है, pubspec.yml फाइल। ये आपको इस जगह पे दिख जाएगी, आपको नीचे दिख रहा होगा यहाँ पे रेडमी के ऊपर और pubspec.log फाइल के नीचे।
तो इस YAML फाइल के अंदर आना है और यू नीड टू सर्च फॉर, ये आपका YAML फाइल है और यहाँ पे आपका कमेंट के अंदर आपको दिखेगा एसेट्स और ये इमेजेस, ठीक है। अब इसको अनकमेंट करना है, मतलब आगे का जो हैश कोड है इसको हटाना है आपको, और इसके लाइन में जो आपका हैक्स कोड है इसकी जस्ट लाइन में नीचे आपको एसेट्स लेना है। ये इंडेंटेशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और हमेशा याद रखना कि जो ये वाली जो लाइन आ रही है आपकी इमेजेस वाली, ये जो हाइफन है हमेशा जो थर्ड लेटर है, थर्ड लेटर यानी कि एसेट्स देख सकते हैं, एसेट्स में जो थर्ड है वो एस है, तो एस के जस्ट नीचे से स्टार्ट होना चाहिए। ये इंडेंटेशन बहुत तरीके से करना है, अगर आप इनमें ऊपर नीचे करोगे तो आप उस पर्टिकुलर पाथ को आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे रन टाइम में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर रखा है, ये कह रहा है कि आप मल्टीपल इमेजेस, जितने भी इमेजेस लेनी है उन सबके पाथ दे दो। मैं इसका एक और शॉर्टकट बताता हूँ, आपको सारी इमेजेस यूज करनी तभी आप इमेजेस को ले रहे हैं, ठीक है। तो आप जो इमेजेस नहीं यूज मारी उनको हटा देना, और जो इमेजेस यूज में आ रही उन्हीं को रखना अपने इमेजेस वाले फोल्डर में। और क्या करना, आप सिंपल सा आपका जो पाथ है एसेट्स स्लैश इमेजेस स्लैश, अब इसका क्या मतलब हो गया, इसको हम हटा देते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि इमेजेस के अंदर जितनी भी इमेजेस है उन सबका पाथ यहाँ पे मिल गया। आपको एक एक करके सबको ऐड करने की जरूरत नहीं है, आप इमेजेस स्लैश मतलब क्या हो गया, इमेजेस के अंदर का जो पूरा फोल्डर है उसके अंदर जितने भी इमेजेस हैं वो सब यहाँ पे इंपोर्ट हो गई है, ठीक है। अब जैसे ही आप इसमें चेंजेस करते हैं इस pubspec.yaml फाइल के अंदर, तो ऊपर pub get करके आपको एक ऑप्शन मिलता है, इसको आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। तो ये सिंक्रोनाइज करेगा आपकी YAML फाइल में, जब भी चेंजेस होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग सिंक्रोनाइज होगा और फिर आप इसको पर्टिकुलरली यूज कर पाएंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो यहाँ पे आ चुका है प्रोसेस फिनिश्ड विद एग्जिट कोड 0, दैट मीन सक्सेसफुली ये प्रोसेस हो चुका है। अब हम आ जाते हैं हमारी main.dart फाइल के अंदर। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर तरीके से नहीं हुआ होगा तो वापस से get dependencies आएगा, तो आप एक बार के लिए कर दीजिएगा get dependencies, ये pub.get करो या get dependencies करो, एक ही बात है, ठीक है। तो अब हम चेंजेस करते हैं। अब यहाँ पे बॉडी टैग के अंदर हम ले लेते हैं इमेज विजिट, ये इमेज विजिट है और इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। आज की क्लास में हम सिर्फ एसेट्स वाला जो बेसिक इंप्लीमेंटेशन है वो देख रहे हैं। इंटरनेट से कोई इमेज लोड करनी हो आपको, पर्टिकुलर इंटरनल स्टोरेज पे कोई इमेज पड़ी उसको लोड करना हो, तो उसके लिए भी अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। आज हम यूज करने वाले हैं एसेट, तो आपको सिंपल सा क्या करना है, इमेज डॉट एसेट और यहाँ पे वो पाथ देना है एक्चुअल में पूरा पाथ जहाँ पे आपकी फाइल पड़ी है, एसेट स्लैश इमेजेस स्लैश। तीसरी चीज क्या है, मतलब आपके इसके अंदर कौन सी इमेज यहाँ पे शो करनी है, वो है लोगो डॉट पीएनजी, तो लोगो डॉट पीएनजी। अब एक बार फिर से क्रॉस चेक कर ले, तो इमेजेस के अंदर मैं ये वाली इमेज लगाना चाहता हूँ लोगो डॉट पीएनजी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने प्लेस कर दिया, मैं इसको हॉट रीलोड करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी स्क्रीन पे अब इमेज लोड हो चुकी है, ठीक है। क्योंकि हमने कोई साइज बाउंड नहीं दिया है, तो जो एक्चुअल साइज है उस इमेज की वो उसने स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया है, ठीक है। आप इसको कंटेनर के अंदर भी लगा सकते हैं, कंटेनर के अंदर मतलब कि एक कंटेनर को साइज देके, या आगे मैं समझाऊंगा आपको साइज बॉक्स उसको भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए मैं इसको सेंटर में ले आता हूँ। सेंटर में लाने के लिए आपको पता है क्या करना है, सेंटर विजिट का यूज करना है, सिर्फ यू नीड टू रैप दिस विजिट विद सेंटर। तो सेंटर विजिट ले लेते हैं, यहाँ पे हमको ऑप्शंस नहीं मिल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सेंटर लिखेंगे अपन और यहाँ पे आपको चाइल्ड का ऑप्शन मिलता है, इस चाइल्ड के अंदर हम इस इमेज डॉट एसल्ट को लगा देंगे। वापस मैं इसको करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि आपका जो विजिट है इमेज वाला वो सेंटर में आ चुका है। अगर आपको इसको रिसाइज करना है तो रिसाइज के केस में आप क्या कर सकते हैं, इस इमेज विजिट को आप कंटेनर से रैप कर सकते हैं, आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं रैप विद कंटेनर, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक साइज देनी है, तो यहाँ पे आप एक साइज दे सकते हैं विड्थ 100x100 का दे देता हूँ मैं, विड्थ हाइट 100, ठीक है। तो अगर अपन अभी देखते हैं तो जो उसकी साइज है वो फिक्स्ड हो चुकी है, क्यों हो गई है, क्योंकि जिस कंटेनर के अंदर मैंने इसको प्लेस किया है उस कंटेनर का ही साइज 100x100 है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इमेजेस को लगा सकते हैं। एक और इमेज मैंने ऐड कर रखी है तो वो भी लगा के देख लेते हैं, तो उसका नाम है फ्लटर डॉट जेपीजी, तो उसको रन करते हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो हमारी जेपीजी फाइल है वो आ चुकी है। आप बैकग्राउंड देख सकते हैं तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बैकग्राउंड में आपको जेपीजी दिख रही है, जेपीजी का वाइट बैकग्राउंड आपको पीछे की साइड में दिख रहा होगा, ठीक है, क्योंकि ये हमारी जेपीजी इमेज ऐसी है जिसमें बैकग्राउंड है, तो बैकग्राउंड के साथ में दिख रही है, ये देख सकते हैं आप, क्योंकि पीछे वाला जो बैकग्राउंड भी है वो भी व्हाइट कलर का है, तो आपको इतना फर्क नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी ऐप के अंदर इमेजेस को ऐड कर सकते हैं और अपनी ऐप की यूआई को और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।